लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स। द डेसिमल हैविंग सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस मीन्स सेम नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर कॉल्ड लाइक डेसिमल। जिन डेसिमल्स में डेसिमल नंबर के बाद की डिजिट मीन्स डेसिमल पॉइंट के बाद की डिजिट सेम होती है वो नंबर्स लाइक डेसिमल्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल्स में दिया हुआ है यहाँ पे 0.32 और दूसरे वाले में दिया है 0.03। यहाँ पे दोनों कितनी डिजिट हैं, दो दो डिजिट हैं। तो ऐसे फ्रैक्शंस क्या कहलाते, ऐसे डेसिमल्स क्या कहलाते हैं, लाइक डेसिमल्स। अनलाइक डेसिमल, डेसिमल्स हैविंग डिफरेंट नंबर्स ऑफ डेसिमल प्लेस आर नोन एज अनलाइक डेसिमल। मीन्स जिन डेसिमल्स के क्या होते हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद मीन्स डेसिमल के बाद नंबर्स डिफरेंट होते हैं उनको अनलाइक डेसिमल्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स में जैसे यहाँ दिया हुआ है 782.46 और दूसरा एग्जाम्पल है 482.638। फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में डेसिमल के बाद टू नंबर्स हैं और सेकंड वाले एग्जाम्पल में डेसिमल के बाद थ्री नंबर्स हैं। तो ऐसे डेसिमल्स को, ऐसे नंबर्स को अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अब हम कुछ सम्स करते हैं। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू ग्रुप्स ऑफ लाइक डेसिमल। यहाँ पे जो हमें नंबर्स दे रखे हैं इनको हमें किस में कन्वर्ट करना है, लाइक डेसिमल्स ग्रुप में। तो हम यहाँ पे देखो लिखा हुआ 7.8, 3.99, 1.682। यहाँ पे क्या है, ये सारे डिफरेंट हैं। ये कैसा ग्रुप दे रखा है हमें, अनलाइक डेसिमल्स का ग्रुप। इसे हम लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, अभी हमने देखा था कि लाइक डेसिमल में क्या होते हैं, डिजिट डेसिमल के बाद वाली सेम होती हैं। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, हमें कितनी डिजिट चाहिए, 1, 2, 3, क्योंकि सबसे बड़ा डेसिमल के बाद इसमें ही सबसे ज़्यादा नंबर्स हैं। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, 7.8, और हमें कितने नंबर्स चाहिए, 3 नंबर्स चाहिए। यहाँ पे हमें सिर्फ एक नंबर दिया तो हम क्या करेंगे, 2 ज़ीरो लगा लेंगे, 3.99। अब यहाँ पे दो नंबर हैं तो क्या करेंगे, 1 ज़ीरो लगा लेंगे, 1.682। अभी हमारा कैसे कन्वर्ट हो गया, लाइक डेसिमल में। बी क्वेश्चन देखते हैं, 16.7, 18.36, 2.007। सेम हम इसे भी यहाँ ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे भी क्या है, ये किस कैसे नंबर्स का ग्रुप है, अनलाइक डेसिमल्स का ग्रुप दे रखा है। इसे लाइक डेसिमल में चेंज करने के लिए 16 पॉइंट, यहाँ पे एक नंबर है, हमें कितने चाहिए, 3 नंबर चाहिए, तो 2 ज़ीरो लगा लेंगे, 1.836 दिया हुआ है। कितने नंबर्स चाहिए अभी, एक यहाँ पे एक और डिजिट चाहिए, तो ये लाइक किस में चेंज हो जाएगा, लाइक डेसिमल में, 2.007। सी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5.6, 1.5, 3.8, 9.6001, 17.75.0002। अब यहाँ पे देखें, हमें डेसिमल के पहले के नंबर्स का कोई यूज़ नहीं होता, मींस हमें डेसिमल के पहले वाले नंबर्स नहीं चेक करने होते, हमें सिर्फ डेसिमल के बाद वाले नंबर चेक करने होते हैं, किसमें, लाइक और अनलाइक डेसिमल्स में। कितने सबसे ज़्यादा नंबर हैं, 1, 2, 3, 4। डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, 4 नंबर्स। तो हमें क्या किया था हमने, यहाँ पे 5 कितने ज़ीरो थे, यहाँ पे 4 नंबर्स थे, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 3 ज़ीरो लगा लिए, सब में ऐसे हमने चेंज कर लिया। और ये वाले दोनों लास्ट वाले दोनों नंबर हमारे कैसे थे, सेम थे, डेसिमल के बाद के नंबर सेम थे, तो उन्हें ऐसे ही लिख लिया। बी क्वेश्चन देखो, 5.6.02, 5.0.002, 5.0.2। अब यहाँ पे देखिए
कैसे दे रखे हैं, दो नंबर यहाँ दिए हैं, यहाँ पे तीन है, फिर यहाँ पे वन है, तो सबसे ज़्यादा किस में नंबर है, इसमें है, थ्री नंबर्स हैं, तो इसे कैसे चेंज कर लेंगे, 56.200, 50.002, ये ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि ये क्या है हमारा हाईएस्ट डिजिट है, इसके बाद 50.200 ई वाला, जीरो पॉइंट सेवन एट, 9.1, 0.0075। यहाँ पे देखिए कितने हैं, पॉइंट के बाद हमारे फोर नंबर्स आ रहे हैं, तो हम सब में क्या करेंगे, फोर फोर डिजिट कर लेंगे डेसिमल के बाद में, 7 8, यहाँ पे फोर डिजिट है तो 00, 9.1, 0.00, सब की डिजिट हम कैसे कर लेंगे, फोर कर लेंगे। और हम क्या करते हैं, जितने हमें डिजिट चाहिए होती है, हम कोई नंबर और तो लगा नहीं सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, जीरो लगा लेते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, एफ 13.668, 1.2, 6.7389। यहाँ पे थ्री नंबर्स हैं हमारे और यहाँ पे फोर है, क्या करेंगे, 13, यहाँ पे देखो 13 और यहाँ पे हमें क्या थी, फोर डिजिट्स थी, तो हमें यहाँ एक जीरो लगा लिया। अब इसके लिए क्या करेंगे, 1.2, और कितने कितने जीरो लगाएंगे, अब यहाँ पे वन डिजिट हमें तो फोर करनी है, तो कितने, थ्री जीरो लगा लेंगे, यहाँ वैसे ही 6.7389, ये हो गया क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल समझ में आया होगा, लाइक डेसिमल अनलाइक डेसिमल में क्या डिफरेंस होता है ये समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो या कुछ ऐसा हो जो समझ नहीं आया हो इस वीडियो में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।